पता नहीं इंडिया को क्या हो गया है, अब हमारे यहाँ के आर्टिस्ट और सिंगर वहाँ पे काम नहीं कर सकते। भाई कितनी जिल्लत की बात है, एक जगह पे इनको काम मिलता था वहाँ भी पाबंदी है, इन्होंने तो भूखे मरना है। हाँ भाई मियाँ अली जफर बोलें। हाँ मैं समझता हूँ यार, इंडिया में काम नहीं मिल रहा तो तुम परेशान हो है? क्या इंडिया जाने का मन करता तुम्हारा? ओ भाई मन तो मेरा भी बहुत करता है, जा तो नहीं सकते ना, क्या पानी का बिल भरना है? ओ यार तो मैं क्या करूँ, नहीं नहीं मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता, मेरे पास तो खुद नहीं है। देखो पैसे का नाम मत लो, कल रात सपने में मेरे पैसे आ गए तो मैं चक्कर खा के गिर गया हूँ। इन लोगों से कुछ नहीं होना, मुल्क के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ओ भाई जैसी तुम्हारी रेपुटेशन होगी वैसे ही तो काम मिलेगा, कोई बुलाएगा तुम्हें, मुल्क की तरक्की ना हो जाए बस। हेलो जी राज ठाकरे साहब जी, बताएं मैं आपकी क्या खिदमत करूं? हैं हमारे आर्टिस्ट और सिंगर वहां आएंगे तो आप पीटेंगे उन्हें? नहीं नहीं जनाब बिल्कुल पीटे, पीटने में कोई हर्ज ही नहीं है। हेलो ले यार, बेशरम बोल के फोन रख दिया है, बड़े नादान लोग हैं, हमारा कल्चर नहीं समझते, हमारी नेचर नहीं जानते और खुद ही नाराज हो जाते हैं। भाई हमें पिटने से कोई गुरेज थोड़ी ना है, दो रोटी मिल जाएगी तो हम थप्पड़ खाने को तैयार हैं। जी करण जौहर साहब, मैं आपको ही फोन करने वाला था भाई, आपके जैसा जौहरी पूरी दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ है। देखिए जिस मुल्क में पूरी दुनिया ने सिर्फ दहशतगर्दों को ढूंढा है, आपने वहां पे टैलेंट देखा है, हमारे एक्टर्स और सिंगर्स को आपने काम दिया है। मेरा बस चलता ना तो मैं खड़ा होकर आपके लिए ताली बजाता, लेकिन वो तो आप वहां से देख नहीं पाएंगे। आज आपने किस लिए फोन किया है? हमारे आर्टिस्ट की बची हुई पेमेंट आप नहीं देंगे? ओ जनाब हम तो बची खुची पेमेंट के लिए काम करते हैं, अगर हमें कभी पूरी पेमेंट मिल जाए तो हमें लगता है कि हमसे कोई गुनाह हो गया है। यार एक अजीब सी बीमारी चल रही है लोगों में, मतलब फोन रखने से पहले बाय बोलें, शब्बा खैर बोलें, नहीं इडियट बोलते हैं और फोन काट देते हैं, हो सकता है उनका स्टाइल हो। खैर कोई बात नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा कि इंडिया से ये बैन कैसे हटे। मैं राजनाथ साहब से बात करता हूँ और बैन हटवाता हूँ। राजनाथ साहब, नहीं 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 राफेल का नाम ना ले, मैं डर जाता हूँ जनाब, मैं किसी दूसरे मसले पे फ़ोन कर रहा हूँ। देखिए जनाब आपने हमारे आर्टिस्ट और सिंगर वहाँ पे बैन कर दिए हैं, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब अब सिर्फ पाकिस्तान से टिड्डी भारत जा सकती है, ऐसा ना करें ना। देखिए हमारे आर्टिस्ट को उधर जाने दें, इससे थोड़ी दोस्ती बढ़ती है। हैं आपका दिल बड़ा है, हम दुश्मनी के लायक भी नहीं है। अच्छा जी ये बात भी ठीक है, लेकिन मेरी बात सुने, देखिए हमारे सिंगर्स को वहाँ पे काम दें जी, कुछ सिंगर्स तो ऐसे हैं हम उनको सुन नहीं सकते, बड़े बेसुरे हैं जी। हाँ हेलो यार इन्होंने फोन रख दिया है, ये कह रहे हैं अपने वहाँ पे प्रोग्राम करो, गाने बजाओ। भाई इनको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं उसमें गाने नहीं बजते, बम बजते हैं। बड़े संगीन हालात है जी मुल्क के, कभी कभी तो मुझे रोना आता है, सोचता हूँ दिल खोल के रो लूँ, लेकिन रो भी नहीं सकता, इतने मसले हैं, और अगर मैं रोया तो मुझे चुप कौन कराएगा? चुप कराने से ज्यादा मैं शत्रुघ्न साहब से बात कर लेता हूं। हेलो जी शत्रु मियां, देखे हमारे से थोड़ी मित्रता कर लें। हाँ जी जनाब, देखे हमारे आर्टिस्ट वहां पे बैन हो गए हैं, उस पे आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? क्या मतलब क्या बोल सकते हैं? ओ भाई आपकी यही प्रॉब्लम है, जिस मामले में बोलना होता है वहां बोलते नहीं है, और जहां पे नहीं बोलना होता इतना सारा बोलते हैं फिर खामोश। ओ भाई आपको पता नहीं चला आपका मुल्क आपको कह रहा है खामोश? खामोश खामोश करता है।
यार पहले ये आर्टिस्ट सिंगर वहाँ पे गाते थे तो दो चार पैसे आते थे टैक्स के, टैक्स तो दूर है, बिल भरने के पैसे नहीं है। मैं बाजवे से बात करता हूँ, वही बजाने की बात करता रहता है, हो सकता है किसी गाने बजाने में हमारे सिंगर्स को ही काम दे दे।